नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को हम हिंदी में जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन में अंतर होता है, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मौसम परिवर्तन कुछ ही घंटों में मौसम में परिवर्तन है, जबकि जलवायु परिवर्तन कुछ सौ या हजार या लाखों सालों में होने वाली घटना है। जैसे माना किसी स्थान पर अभी धूप लगी हुई है, लेकिन शाम को बारिश हो सकती है, तो इसे हम मौसम परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर किसी स्थान पर सालों से कुछ विशेष मौसम में गर्मी या सर्दी एक फिक्स टेम्परेचर पर होती थी, लेकिन अचानक से वह भीषण गर्मी या भीषण ठंडी हो गई है, तो इसे हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। दोस्तों, पिछले साल 2021 में ग्लासगो में COP26 नाम का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था क्लाइमेट चेंज पर बहस। यहाँ सभी देशों के बीच खुलकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहस हुई और अंततः सभी देशों ने फॉसिल फ्यूल का यूज़ चरणबद्ध तरीके से कम करने पर हामी भरी। सभी देशों ने प्रण लिया कि वो एक समय के बाद कार्बन फ्यूल्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे। भारत ने यह समय 2070 का दिया है, लेकिन बाकी देशों ने इस समय को 2050 या 2060 तक का दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, कोयला से क्या होता है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दरअसल दोस्तों, ये सभी फ्यूल जलने के बाद गर्म गैसें एग्जॉस्ट प्रोडक्ट के तौर पर एटमॉस्फेयर में देती हैं, जिससे हमारे अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी और बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से न केवल हम इंसानों के जीवन पर खतरा है, बल्कि कई ग्लोबल स्पीसीज की एग्जिस्टेंस पर ही खतरा है। मतलब कई प्रजातियां लगभग लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। अभी हो रहे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से पहले ही कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। दुनिया में अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिखने भी लगा है। धीरे धीरे अंटार्कटिका में और हिमालय के बर्फ में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के निकट बड़े बसे शहरों में बाढ़ या शहर डूबने का खतरा बढ़ गया है। और माना जा रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शहर डूब भी जाएंगे। कई देशों में लगातार बाढ़ें भी आ रही हैं। ये सभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज पर असर डालने वाली सबसे प्रमुख चीज़ें हैं फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बिजली उत्पादन के लिए हद से ज़्यादा कोयले पर निर्भरता, जो कि कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है, पेड़ों की कटाई, पानी का हद से ज़्यादा गलत इस्तेमाल, जल वायु प्रदूषण आदि। इन सभी की वजह से हम धीरे धीरे पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और हम माना भी इसे बचा सकते हैं, इसलिए हम कुछ अपनी आदतों में बदलाव लाकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।